आई थिंक इट वॉज़ वंडरफुल वीक फॉर मी 2020 का कि दोनों अवार्ड साथ में अनाउंस हो गए एंड सो आई वुड लाइक टू थैंक कि जिन्होंने मेरे लिए वोट किया एंड स्पेशली आपको अच्छा लगता है जब आपको वर्ल्ड स्पोर्ट कम्युनिटी आपको आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है एंड स्पेशली पद्मश्री के लिए आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशल थैंक्स टू स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सर कि जिन्होंने मेरे इतने साल की यू नो एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया एंड या यू फील प्राउड कि आप यू नो आप एक ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हो एंड दिस अवार्ड गोज टू वुमेन हॉकी एंड स्पेशली टू माय टीम. ये साल और भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगी, प्रेशर फील हो रहा है थोड़ा सा? यस, एक्सपेक्टेशन सबको बहुत हाई है हमारी टीम से बिकॉज लास्ट 3-4 ईयर से हमारी टीम ने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ी नर्वसनेस जरूर रहती है लेकिन एक एक्साइटमेंट भी रहती है बिकॉज यू प्ले स्पोर्ट्स बिकॉज यू नो बिकॉज यू वॉन्ट टू प्ले ओलंपिक्स एंड किसी भी एथलीट एंड टीम का एक ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे ओलंपिक गेम्स में एंड वहाँ पे मेडल जीते. सो हमारा भी सेम है कि बिकॉज आज से 4 साल पहले हमें शायद नहीं लगता था कि हम मेडल जीत सकते हैं लेकिन अभी हमारी टीम में वो कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं ओलंपिक्स में एंड या एंड वी आर ट्रेनिंग हार्ड एवरी डे उस चीज़ के लिए. और वो कॉन्फिडेंस किस तरीके की चीज़ों से आया? पिछले 4 सालों में ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जिससे आपको लगता है कि रियो से टोक्यो के बीच में ओलंपिक मेडल का जो एक रास्ता है वो तय हो जाएगा? सबसे बड़ा चेंज जो आया वो फिटनेस में आया है बिकॉज अभी हमारी टीम जो है फ़िटनेस वाइज किसी भी टीम से लैक नहीं करती है. पहले हम यूरोपियन टीमों से फ़िटनेस वाइज लैक करते थे तो थोड़ा एक डर रहता था कि हम पता नहीं जीतेंगे लेकिन अभी जो है वो डर टीम का निकल चुका है कि एंड अभी जो है हम बाकी टीमों को भी हमारा डर रहता है कि इंडिया के साथ खेल रहे हैं सो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं एंड वो टीम में कॉन्फिडेंस आया है कि हमने यू नो सो डेफिनेटली जब आपकी फ़िटनेस इंप्रूव होती है तो आपका स्किल और ज़्यादा उसके साथ आप अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो उसको.